मैं इस ब्लिंक फिल्म में नीरज का रोल कर रहा हूँ, ये विमी भट्ट और ये मेरी वाइफ होती हैं उस फिल्म में। और जब भी मैंने ये स्टोरी सुनी, आत्मजाने जब ये स्टोरी सुनाई, तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। ये एक साइंस फिक्शन फिल्म उसने मुझे सुनाई थी, और एक्चुअली साइंस फिक्शन अगर हमें करने मिले तो वी आर लाइक द लकी एक्टर्स, बिकॉज साइंस फिक्शन हमारे यहाँ पे होता नहीं है और फीचर में नहीं होता, और शॉर्ट फिल्म्स के लिए कोई साइंस फिक्शन के बारे में सोचता भी नहीं है। सो इट वाज वेरी डिफरेंट एंड अ डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट फॉर अस, और चैलेंजिंग भी था बहुत, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है रियलिटीज़ में शिफ्ट होना, दो अलग अलग रियलिटीज़ में शिफ्ट होना, दो पैरेलल वर्ल्ड्स के बारे में सोचना, ये बहुत ही डिफरेंट था। और हम लोगों ने जब ये स्टोरी सुनी तभी हम यही सोच रहे थे कि जब ये दिखाएंगे, जब ये इसकी फिल्म करेंगे तो ये कैसी लगेगी, कैसी दिखेगी ये फिल्म। तो लेकिन फिर जब ही हम लोगों ने, जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम लोगों का बाकायदा रिहर्सल हुआ, वर्कशॉप अरेंज किया था आत्मजाने और आकांक्षा ने, और तभी इस फिल्म का ज़्यादा हमें जो मीनिंग था उसका, आत्मजा क्या करना चाहती थी, वो ज़्यादा समझ में आया। और केमिस्ट्री बिल्डअप होने के लिए हम लोगों में बहुत ही उसका एक हेल्प हुआ। और फिर जब भी शूटिंग के लिए आए तो इट वाज, यू नो, इट वाज मच ईजियर, क्योंकि हम लोग क्लियर थे, आत्मजा भी क्लियर थी, हम लोगों में केमिस्ट्री भी अच्छी बन गई थी, तो ज़्यादा कठिनाई नहीं आई। लेकिन ये बहुत ही अलग तरीके की फिल्म थी, बहुत कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता था, क्योंकि शॉर्ट फिल्म में कैसे होता है, यू डोंट गेट अ ह्यूज बैकग्राउंड, बहुत स्टोरी नहीं होती, तो एक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा बैक स्टोरी अगर ना हो तो वो इमोशंस बिल्टअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग। सो वो एक हम दोनों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन आत्मजा ने बहुत अच्छी तरह से, उसके पास बहुत कम वक्त था, लेकिन उसने बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड किया और ये फिल्म कंप्लीट हो। सी, पहली बात तो मैं बहुत लकी हूँ बीइंग अ पार्ट ऑफ ब्लिंक, और पूरी टीम, और बकायदा जो हमारी डायरेक्टर हैं आत्मजा और हमारी प्रोड्यूसर आकांक्षा, सबसे पहले तो उनका अप्रोच ही इतना अच्छा है कि जो बंदी शॉर्ट फिल्म के लिए इतना परफेक्शन चाहेगी, मतलब वर्कशॉप्स तो सिर्फ लोग फीचर फिल्म्स या थिएटर के लिए रखते हैं, लेकिन शॉर्ट फिल्म के लिए वर्कशॉप रखना सबसे बड़ी बात, वही मुझे अच्छी लग गई, सो मैंने हाँ कह दी। और दूसरी बात कही साइंस फिक्शन फिल्म। अब ऐसा है कि आजकल बहुत से सारे लोग स्पिरिचुअल की तरफ जा रहे हैं, बहुत से लोग एलियन कॉन्सेप्ट्स की तरफ जा रहे हैं, लोगों को अब पता चलने लगा है कि पैरेलल यूनिवर्स क्या है, रियलिटी है या फिक्शन है या क्या है, तो ये फिल्म भी उसी रिलेटेड है। तो भले थोड़ा टाइम लग रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में तो ये अच्छा खासा कर रही है फिल्म, द मोमेंट लोगों की समझ में ये आ जाएगा कि इंटरनेशनल मार्केट में कितना अच्छा कर रही है, और जैसे ही लोग एक बार देखेंगे तो देखते ही समझ में आ जाएगी कि फिल्म एग्जैक्टली है किस बारे में, हम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन शॉर्ट, अब हॉलीवुड की काफ़ी मूवीज़ इंडियन लोग देखते हैं, लाइक मैट्रिक्स है, बहुत सारी फिल्म्स हैं, तो ये फिल्म भी इंडियन मैट्रिक्स समझ के लोग देखें, सो वी आर एक्सपेक्टिंग। हाँ, मेरी इसके पहले एक शॉर्ट फिल्म थी स्पीचलेस, वो बहुत ही ज़्यादा हिट गई थी, वो आई वॉज प्लेइंग अ डेफ एंड म्यूट गर्ल उसमें, तो लोगों को वो कहानी बहुत छू गई दिल को, तो बहुत ज़्यादा हिट थी। उसके बाद काफ़ी शॉर्ट फिल्म ऑफर्स आए, लेकिन शॉर्ट फिल्म्स, हर कोई शॉर्ट फिल्म लेना, इट्स नॉट सो ईजी। अगर एक बार आपने अच्छी स्क्रिप्ट कर ली तो उसके बाद आप में भूख बढ़ जाती है कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट हो, तो जब मुझे ब्लिंक ऑफर हुई और उसका कॉन्सेप्ट ही सुन के मैंने तुरंत हाँ कर दी। सी, शॉर्ट फिल्म्स ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, फीचर फिल्म्स में तो आपको ज़्यादा दिनों की रिहर्सल्स करनी पड़ती है, आपको टाइम मिलता है, केमिस्ट्री भी अच्छी खासी हो जाती है टीम, लेकिन इस शॉर्ट फिल्म में हमारे पास सिर्फ दो ही दिन थे, तो डायरेक्टर्स ने सबके साथ इंट्रोडक्शन करवाया, हमारा वर्कशॉप रखा, तो उस शॉर्ट स्पैन में इस तरह की फिल्म करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, और जितना ये सब सीखते जाते हैं उतना ही एक्सपीरियंस आगे काम आता है, तो उतनी ईजी हो जाती है हमारी जर्नी। एक्चुअली अब ये फिल्म के बाद ऐसी कोई अगर फिल्म होगी तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, बिकॉज दिस इज़ अ जॉनर विच आई लाइक द मोस्ट,
हम लोग अभी नेटफ्लिक्स देखते हैं या अमेज़ॉन प्राइम देखते हैं, तो उसमें ये साइंस फिक्शन फिल्म्स इतनी एक्साइटिंग होती हैं, इतनी अच्छी कंसेप्ट्स लिखी जाती हैं. और आत्मजा इज़ लाइक द फर्स्ट पर्सन टू डू दैट. सो अगर इसके बाद अगर और भी राइटर्स आएँ, आत्मजा ने भी अगर अच्छी कोई स्क्रिप्ट लिखी और इफ शी गिव्स अस अ चांस टू एक्ट, वी विल हैप्पीली बी अवेलेबल. I have done this Blink short film as well as I have done some Gujarati films. First was Hardik Abhinandan and my second is in post. And also the short films as well as Hindi television and all. So we are just waiting now. After Blink, we want to work with directors like Atmaja and producers like Akanksha. So just waiting for a good feature film now. I have been heavily influenced by science fiction films and dramas right from my childhood. Also, I have a very keen interest in the study of physics, and I'd like to associate everything that I read to real life, because uske bagair to koi cheez ka connection nahi hota. So that is one of the reasons that this film came about. After this film came, I mean, the idea came to me. I started reading a lot. I spent about 6-7 months just trying to understand the physics, its theories, and then the film came about. Actually, execution was a very difficult challenge because time duration हमारे पास बहुत कम था और उसके बीच में इतना सब दिखाना था, तो ये मेरे लिए बहुत थोड़ा सा मुश्किल था. बट बिकॉज आई हैड सच फैंटास्टिक कास्ट, मेरे लिए ये थोड़ा सा आसान हो गया क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस में काफ़ी चीज़ें ऐसी दिख जाती हैं. जैसे आप फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा कि उनके परफॉर्मेंस में ही कहानी दिख जाती है. सो आई वॉज वेरी लक्की और माई कास्ट एंड क्रू हैव बीन फैंटास्टिक. एक्चुअली हमारी इसके पहले भी एक फिल्म पाम स्प्रिंग्स और क्लेमेंट फेरान फ्रांस में गई हुई है. हमारे ज़्यादातर काम फिल्में वहीं पे जाती हैं. बट ऑफकोर्स ये वाले साइंस फिक्शन फिल्म फेस्टिवल में क्वालिफाई होना, सिलेक्ट होना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडिया से हमारा एज अ फीमेल फिल्म मेकर हमारा पहला एंट्री था. एशिया से भी बहुत कम फिल्में गई थी, पर हमारा क्वालिफिकेशन हुआ, यही बहुत बड़ी बात है. सो एक्चुअली एग्जीक्यूशन का तो काफ़ी पहले से प्लानिंग हुआ था, लेकिन लाइक इट हैपन्स इन एनी प्रोडक्शन, लास्ट मिनट काफ़ी चेंजेस होने लगे, तो एग्जीक्यूशन काफ़ी डिफ़िकल्ट था मैं बोल सकती हूँ. लेकिन क्रू और कास्ट का काफ़ी सपोर्ट था हमें और बहुत कोऑपरेटिव थे, सो बहुत से चीज़ें हमारी आसान हो गई. वैसे इतनी दिस इज़ आर सेकेंड फिल्म टुगेदर. सो फर्स्ट वॉज अंटिल डेथ, विच वॉज द वन दैट शी सेड दैट गॉट स्क्रीनड इन पाम स्प्रिंग्स इन क्लेरमोंट फ्रैन. सो उसके लिए भी हम, मतलब दिस इज़ आवर सेकेंड फिल्म टुगेदर, तो एक केमिस्ट्री हो गई है प्रोड्यूसर डायरेक्टर की, तो दैट मेक्स इट ईजियर. हमें भी पता चलता है कि कैसे करना है, क्या हमें ऐसी फिल्म बनानी है जो दे आर स्लाइड एटलीस्ट अ लिटिल बिट थॉट प्रोवोकिंग. मतलब किसी को बहुत टाइप की फिल्में बनी जाती है, लेकिन अगर कुछ हमारी तरफ से कुछ साइंस फिक्शन कुछ अलग हम दिखा पाए अगर उनको, तो दैट इज़ समथिंग दैट वी वुड लाइक टू ब्रिंग फोर्थ. यही एक्चुअली आजकल ट्रेंड काफ़ी बदलने लगा है. इंडियन ऑडियंसेस आर ऑल्सो ग्रोइंग, दे आर एडवांसिंग इनफ, उन्हें भी आजकल नई चीज़ें देखना पसंद है. सो आई एम होपिंग द रिस्पॉन्स विल बी वेरी गुड. Are you planning to do something different right now? Iske baad there are a few science fiction short films and another web series that I am writing. Okay. So let's see kya hota hai.